ग्वालियर में आबकारी विभाग की टीम ने कच्चे शराब के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है और मौके से बड़ी मात्रा में हाथ भट्टी शराब और लहान जब्त किया है। ग्वालियर कलेक्टर के आदेश पर आबकारी विभाग ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विशेष अभियान के तहत ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में बरे, नयागांव, करही और दुबई में छापेमार कार्रवाई की है और मौके से 130 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब और बड़ी मात्रा में गुड लहान जब्त कर 8 प्रकरण बनाए हैं। आबकारी विभाग की औचक कार्रवाई से जहाँ शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया, विभाग अब आगे भी सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही। कार्रवाई जो हमारे सहायक आयुक्त उनके पास इनपुट था कि ये दो क्षेत्र जो हमारे बड़े वृत्त हैं, आंतरिक और गवरा, इनमें फर्मेंटेड लहान जो है वो बन गया है, पूरी तरह तैयार है और इससे मदिरा उतारी जानी है। हमारे द्वारा दल गठित करके भेजा गया इन दोनों वृत्तों में, तो बड़ी कार्रवाई कल की हम लोगों ने, इसमें 20 लाख रुपये की शराब लहान जब्त किए हैं। 8 प्रकरण दर्ज किए गए इसमें और 3 लोगों को, 3 ज्ञात हैं और 5 अज्ञात पकड़े हैं। पहले कब से करते आ रहे हैं ये लगातार चल रही है। हर 10-15 दिन में हम लोग इस तरह की, जैसे ही ये लोग फर्मेंटेशन करते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं, उसको निष्क्रिय कर देते हैं और किसी इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग रोके रहते हैं। ग्वालियर से अजय कुमार शर्मा की रिपोर्ट।